करनाल में कैथल के चढ़ाव मोड़ पर कॉरपोरेटिव बैंक में चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। चोरों ने बड़े ही शातिराना तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर तिजोरी को काटकर 11 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। चोरों की बड़ी बात यह है कि वो सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी तक अपने साथ ले गए। चोर इतने बेखौफ होकर चोरी करके गए हैं मानो उन्हें किसी का डर ही नहीं था। कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी यहाँ पर सामने नजर आ रही है। बंद करके गए थे, 11,32,850 कैश था। क्लोज करके 5 बजे बंद करके चले गए थे। सुबह फिर स्वीपर आया, स्वीपर सफाई कर्मचारी जो हमारे बैंक का, उसने आके फिर बताया भाई, फ़ोन किया कहते हैं अभी दरवाज़ा टूटा हुआ है और सेफ कटी हुई है। फिर मैं आया जी, हम देखे मौके में देखा तो फिर मैंने पुलिस में जगह दर्ज कराई। सर थाना में पहुँचा जी, हाँ SFL टीम वगैरह को बुलाया गया। सर आपका नाम? करमदीप। सर लगता है कि अमूमन सभी बैंकों में जो सेफ रूम में रखी जाती है, एक अच्छा मजबूत उसका लोहे का दरवाजे होते हैं अंदर जहाँ सेफ, आपने एल्यूमिनियम के दरवाजों में रखी हुई है? वैसे तो सर ये काफी मजबूत है। सर मजबूत तो अगर ओपन अगर रखेंगे तो थोड़ा, फिर भी स्ट्रॉन्ग रूम में सख्त ऑर्डर होते हैं बैंकों में। यहाँ भी अगर रूम में अगर रखा होता एक लोहे का दरवाजा होता है तो पहले भी चोरी हो चुकी है? पहले 17 तारीख को है ना, इसमें ऐसे इधर से चोर घुसे थे, मैंने फिर सदर थाने में फायदा करा दी थी। उस टाइम तो DVR ले गए थे वो। तो सर उस बार चोरी की घटना पहले भी हुई 17 तारीख को, तो उसके बाद भी सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखा गया? लगता कि दोबारा भी वारदात को अंजाम देने से। सिक्योरिटी गार्ड सर हमारे हाथ में है, तो ऊपर से रखते हैं। उस अधिकारी को मैंने बोल दिया था सिक्योरिटी गार्ड रखा जाए यहाँ।